नमस्कार, स्वागत है आपका 3N न्यूज नेटवर्क में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से तेजी से फैल सकता है कोरोना संक्रमण। शमशान घाट पर उतार कर फेंकी गई पीपीई किट को नहीं किया गया डिस्पोज न करने से फैल सकता है संक्रमण। जिले में 100 से ऊपर निकल रहे हैं कोरोना मरीज। शमशान घाट में पीपीई किट पड़ी होने का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। क्षेत्र में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर अब रामपुर स्थित सब्जी मंडी प्रशासन भी सख्त हो गया है। अब मंडी में बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जवानों को जो है स्ट्रिक्टली बोल दिया कि किसी भी जो है व्यक्ति को अंदर जो है बिना मास्क के प्रवेश न कर लेने, जो भी व्यक्ति आए उसे मंडल को कटा के बिना मास्क के न आए, और कार्यालय में बिल्कुल प्रवेश वर्जित कर दिया। बिना मास्क कोई भी कार्यालय में प्रवेश नहीं करेगा। अंदर अभी भी काफी दुकानदार हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, और हमने सबको रिटर्न में भी और मौके पर हमने आगे से वहाँ से भी व्यापारियों के लिए कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी साथ में, तुम्हारे जो कर्मचारी हैं दुकान पे, किसी को भी बिना मास्क ना है। मैंने रिटर्न में भी आदेश दुमा दिया और मौके भी जो है प्रचार करवा दिया इस चीज़ का। तो सैनिटाइज वगैरह की कोई व्यवस्था? सैनिटाइज हम करवा रहे हैं मंडी बंद होने के बाद। रात के अंधेरे में बहादुराबाद सिडकुल हाईवे पर दौड़ते ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रोलियों पर चौकी गैस प्लांट पुलिस की कार्यवाही से मचा हड़कंप। क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने जानकारी देते हुए बताया कि लाल कुआ वासियों को टू लेन का बाईपास दिए जाने की कवायद चल रही है। उन्होंने कहा है कि नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के दौरान लाल कुआ वासियों को डर था कि हाईवे में उनकी मकान व दुकान चली जाएंगी, मगर यह संशय खत्म हुआ है और लाल कुआ मौजूदा समय में यथावत रहेगा। छत्तीसगढ़ में दिन प्रतिदिन बढ़ रही कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या बनी चिंता का विषय। लॉकडाउन और कड़ाई के बावजूद भी इस गति में कहीं कमी नहीं देखी जा रही है। कोरोना वायरस के मरीज भी बढ़ती संख्या के साथ साथ मरने वालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए 3N न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।